सर क्या कहेंगे? हाँ वो आप पूछ रहे थे ना दैट उसमें से क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिला, उसमें से चार इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन उन्होंने भेजा है। एक तो मून सर्विस का टेम्परेचर क्या है, इट इज इनसाइड एंड अप टू सर्टेन हाइट। उसके बाद उन्होंने भेजा है दैट उसमें एलिमेंट क्या क्या मिलता है, सल्फर तो पहले मिला था, उसके बाद और क्या क्या एलिमेंट मिलता है। वो एलिमेंट में आपको फेरस दैट इज लोहे का कुछ दिखाता है, क्रोमियम का कुछ दिखाता है, वो जो ग्राफ मैंने दिखाया था उसमें ये सब चीज आया था। और उसके बाद एक सरफेस प्लाज्मा, ये मून का सरफेस में इलेक्ट्रॉन कंटेंट कितना है और आयन कंटेंट कितना है वो भी मेजर करके भेजा है। और एक भेजा है दैट उसमें मून का जो नेचुरल वाइब्रेशन है, हमारे यहाँ पर जो छोटा छोटा अर्थक्वेक होता है ऐसा जो मून में होता है उसका भी उन्होंने पिक्चर भेजा है। ये चार चीज का वो पिक्चर भेजा है। सर अभी आदित्य L1 के बीच ऑनगोइंग चल रहा है, हाँ। क्या कहेंगे वो किस प्रकार से अभी वो जनवरी में पहुंच वहां पर जाएगा। उसमें दो टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, एक टाइप सन को इमेज करेंगे, इमेजिंग और स्पेक्ट्रोमीटर दैट इज सन का टेम्परेचर एग्जैक्टली कितना है, वहाँ से सन का डिफरेंट एरिया का टेम्परेचर क्या है वो मेजर करेंगे। और दूसरा जो सोलर फ्लेयर निकलता है, जो सोलर स्टॉर्म निकलता है, उसको वो कैसे अर्थ को इफेक्ट करते हैं उसका मेजरमेंट वो करेंगे उधर। सर इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पब्लिक की तरफ से कैसा सपोर्ट मिल रहा है इसरो को? ये अमेजिंग है। इंडिया एज ए नेशन इसरो को तो होल हार्टेडली सपोर्ट दिया है एंड आवर गवर्नमेंट इज वेरी वेरी सपोर्टिव एंड वट एवर वी डू, हम जहाँ जो भी करते हैं वो हमेशा हमें इनकरेज करते हैं दैट ये करो आप। एंड जितना भी मैं तो ये बताऊँगा, जितना भी साइंटिफिक अचीवमेंट अभी तक इसरो ने किया है उसमें एज ए नेशन इंडिया का जो ब्लेसिंग्स एंड हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप का जो ब्लेसिंग्स है, विदाउट दैट ये तो होता ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। सर अभी विश्व के काफी सारे देश अभी चंद्र को क्या देख रहे हैं कि चंद्रयान, क्या लग रहा है कि आगामी समय में चंद्र में ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है या नहीं? ह्यूमन लाइफ इकोसिस्टम आपको क्रिएट करना पड़ेगा, वो हो सकता है। हम स्पेस स्टेशन बना सकते हैं तो वहाँ पर भी जाके बना सकते हैं ना, वो पॉसिबिलिटी तो है डेफिनेटली। लेकिन ऐसे वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर जाके आप सीधा सीधा रुक नहीं सकते, वो पॉसिबल नहीं है, आपको आपका एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा रुकने के लिए। साल तक ये एटमॉस्फेयर तैयार हो सकता है, आपको क्या लगता है? हमारा पहला प्रोजेक्ट तो होगा एक स्पेस स्टेशन बनाना। अगर वो स्पेस स्टेशन का पूरा टेक्नोलॉजी हमारे अभी भी है, ऐसा नहीं है, है नहीं, लेकिन सिमुलेशन से बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं, एक्चुअली बना के देखना पड़ता है ना, वो जब बनाएंगे आपको पता चलेगा दैट वो स्पेस स्टेशन। इनफैक्ट हमारा जो ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम बन रहा है उसमें भी जो क्रू मॉड्यूल रहेंगे उसका अंदर क्या एनवायरनमेंट चाहिए वो हम सब कर रहे हैं। तो ह्यूमन स्पेस मिशन जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसके बाद हम सोच सकते हैं दैट मून का सरफेस में हमें ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए क्या क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सर अभी काफी लोग अभी चंद्र पे जमीन ले रहे हैं, वो प्रोजेक्ट क्या है सर? ये मुझे पता नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आता है होता कैसे, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट। कंपनी है लूनार करके, वो वहां पर लैंड के लिए लोगों से पैसे लेके वहां पर ले लिए थे, आई कैनॉट कॉमेंट ऑन दिस, क्योंकि मुझे देखिए लूनर कम्युनिकेशन के लिए लूनर सेटेलाइट हम बना सकते हैं, वहाँ पर मोबाइल बेस स्टेशन भी बना सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी सब है, लेकिन वहाँ पर कोई जमीन खरीद रहे हो ऑन दैट उसी इसमें मुझे आई कैनॉट कॉमेंट। इट्स नॉट ओनली अ सिंगल मिशन गगनयान को अचीव करने के लिए, देर आर सेवरल टेस्ट वी नीड टू डू। मतलब जब गगनयान प्रोजेक्ट जो हम बोलते हैं, तो जैसे आपने चंद्रयान मिशन देखा या फिर आपने मंगलयान मिशन देखा, तो ये एक मिशन होता है, एक लॉन्च होता है और उसमें हम अचीव करते हैं, चांद पे जाना हो तो चांद पे जाते हैं, मंगल पे जाना हो तो मंगल ग्रह पे जाते हैं, और फ्यूचर में और भी प्लानिटरी मिशन होंगे।
लेकिन गगनयान को हम एक प्रोजेक्ट कहते हैं। प्रोजेक्ट कहने का मतलब ये है कि इसमें काफ़ी सारे टेस्ट इन्वॉल्व है। जब बात आती है कि हम इंसान को अंतरिक्ष में भेज रहे हैं और एक रोबोट या सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज रहे हैं, तो ये इन दोनों में काफ़ी फर्क होता है। इंसान को आप रोबोट को भेज रहे हो या सैटेलाइट को भेज रहे हो, तो एनीवे वी विल मेक श्योर, हम अपने तरफ से पूरी इच्छा पूरी इफर्ट लगाते हैं, इसरो अपने तरफ से पूरी इफर्ट लगाता है कि वो सक्सेसफुल हो, ठीक है, क्योंकि एनीवे देयर इज अ लॉट ऑफ हार्डवर्क इन्वॉल्व रहती है और लॉट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। लेकिन जब एक बात इंसान भेजने की आती है तो हम थोड़ा और कॉशियस हो जाते हैं, हम उसके बारे में थोड़ा और कंसर्न हो जाते हैं, क्योंकि उस केस में तो हम फेलियर एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि इंसान की लाइफ उसमें इन्वॉल्व है। तो इसीलिए गगनयान जो प्रोजेक्ट है सीरीज ऑफ टेस्ट्स है, पहले इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, ये सारी चीज़ें मैं अपने टॉक में देने वाला हूँ, तो थोड़ा ब्रीफ करूँगा कि क्या क्या टेस्ट इन्वॉल्व है। और यही अभी इसरो का आगे फ्यूचर मिशन जो है जिसपे इसरो काम कर रहा है वो गगनयान प्रोजेक्ट है, और इसमें सीरीज ऑफ टेस्ट इन्वॉल्व है। एक बार सारे टेस्ट कर लेने के बाद, जैसा कि हमारे चेयरमैन ने भी बोला है, हमारे चेयरमैन सर ने भी बोला है कि वंस वी आर अंटिल और अनलेस वी आर फुल्ली सेटिस्फाइड कि दिस इज गोइंग टू बी 101% सक्सेस, तो उसके बाद ही हम इंसान को लॉन्च व्हीकल में, जो ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल है जो उसके लिए गगनयान के लिए बन रहा है, स्टेटस मतलब टेस्ट व्हीकल, एक टेस्ट व्हीकल फ्लाइट होने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ होगी, दैट विल टेस्ट क्रू एस्केप सिस्टम। क्रू एस्केप सिस्टम एक ऐसा सिस्टम बनाई गई है जो कि इनकेस अभी लॉन्च होती है और हम देखते हैं कि अगर लॉन्च व्हीकल पाथ से डेविएट हो जाता है तो देयर इज ए सेल्फ डिस्ट्रक्ट कमांड। उससे हम क्या करते हैं कि अगर वो पाथ से डेविएट हो जाता है और वो लैंड मास में फॉल करने जाएगा या फिर वो मिशन नहीं सक्सेसफुल हो पाएगा तो हम उसे डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। लेकिन जब इंसान उस लॉन्च व्हीकल में बैठा हुआ है और उसके बाद अगर इनकेस अगर लॉन्च लेट से कि कुछ ऐसी होती है बातें होती है कि मतलब कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस होती है कि लॉन्च व्हीकल इज स्टार्ट टू डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ या कुछ फायर हो गई या कोई स्टेज परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं किया, तो उस केस में सुरक्षित क्रू को वापस कैसे लेके आए, उसके लिए एक क्रू एस्केप सिस्टम बनाई गई है, डिजाइन की गई है, और इसकी टेस्ट करनी जरूरी है। पहले हम इसकी टेस्ट करेंगे, तो वो टेस्ट इन्वॉल्व है जिसको टेस्ट व्हीकल फ्लाइट हमने नाम मतलब इसरो ने नाम दिया है, और दैट टेस्ट व्हीकल फ्लाइट विल मोस्ट प्रोबेबली टेक प्लेस नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट मंथ।